जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सुशील सर, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। और आज हम लोग एक्सरसाइज 3B पढ़ने वाले हैं। और एक्सरसाइज 3B का कुछ प्रश्न हम जो है पढ़ा चुके हैं और कुछ प्रश्न हम लोग यहाँ से आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3B। और हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 3B में, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण कैसे हल होंगे उसी का कुछ नियम हम लोग पढ़ रहे हैं। और उसमें से एक नियम ये है, विलोपन विधि। तो आइए हम लोग विलोपन विधि से इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये दो आपके पास समीकरण दिया हुआ है और इस दोनों समीकरण को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए, बेसिकली हम लोग इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे आपको लिखा है x बाई टू प्लस टू वाई बाई थ्री इक्वल टू माइनस में वन, और ये लिखा है x माइनस वाई बाई थ्री इक्वल टू थ्री। तो हम लोग क्या करेंगे, थ्री का इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये बना देगा 3x और ये 2 × 4y, और नीचे 3 और 2 का गुणा हो जाएगा और बराबर माइनस वन हो जाएगा। अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 3x प्लस 4y इक्वल टू 6 में माइनस वन का गुणा कर लेंगे, माइनस 6 हो जाएगा। फिर हम लोग जो है नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ से हम लोग प्राप्त कर लेंगे, ये सेकंड वाले से, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 बराबर 3। तो 3x माइनस में वाई इक्वल टू कितना हो गया, 9, समीकरण नंबर 2। तो हम लोग देख रहे हैं इसमें भी हमारा 3x है, इसमें भी 3x है, तो हमारा जो है काम घटाने से बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर। तो जैसे आप समीकरण 1 से 2 को घटाएंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस में 6 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। तो माइनस और ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, कट गया। 4y और y कितना हो गया, 5y, और ये माइनस 6 है और ये आपको क्या मिला, माइनस 9। तो माइनस में 15, तो ये कट गया। तो y का मान कितना आ गया, माइनस 3। तो y का मान हमारे यहाँ माइनस 3 आ गया, तो y का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो देखिए क्या मिलता है, y का मान 2 में रखने पर। तो जैसे ही आप y का मान 2 में रखेंगे तो 3x माइनस y का माइनस 3 और इधर 9, तो 3x प्लस 9 और 9, तो 3x उधर 0 हो जाएगा, 9 में से 9 घटा लेंगे, तो x का मान क्या जाएगा, 0/3, क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो हम लोग जो है अब उत्तर का जांच कर लेते हैं, सही है कि गलत है। तो इधर देख रहे हैं 3 × x है, तो x का मान क्या है, 0, और धन 4 × y है, और y का मान कितना है, y का मान हमारा कितना है, माइनस में 3 है। तो हमें लाना कितना है, तो हम लोग देख रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पर एक बार फिर से देखिए, यह है जो माइनस 3 है और माइनस में 3 है और ये माइनस में है, तो ये प्लस में हमारा जो है 3 बनेगा। तो 3 उधर ले जाके जो है हम घटा लेंगे, तो 9 में से जैसे हमारा 3 घटेगा तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6/3, अर्थात क्या आ जाएगा, रिजल्ट 2 आएगा। तो x का मान जब 2 आ गया तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे, x की जगह हमें रखना है क्या, 2 रखना है। तो हमारा यहाँ पे 3 × 6 और 4 × y का मान हमें क्या रखना है, -3। तो 6 और माइनस में 12 कितना आएगा, माइनस में 6 दाहिने तरफ के बराबर आ गया। तो हमारा जो है उत्तर का यहाँ से जांच हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ईजी सवाल है। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके और जो है या LCM लेकर के इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करने के पश्चात जो भी हमारा XY का मान आता है तो आप तुरंत किनारे कहीं उत्तर का जांच कर लेंगे। फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसका क्या बोल रहा है। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 5x-7y = 8 और 10x+3y = 33 है। इसमें जो है वाई को विलुप्त करके एक्स के पदों में इसे जो है सॉल्व करना है। इसमें बोला है यक्स का विलोपन करना है, सॉरी, इसमें यक्स का विलोपन करना है और वाई के पदों में इसका जो है मान ज्ञात करना है। तो यक्स का विलोपन हम लोग कैसे करेंगे, समीकरण 1 में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे कितने से, हाँ
हम लोग देख रहे हैं समीकरण एक में अगर दो से गुणा कर लें तो 10 और 10, क्लियर है। तो ये 10x बन जाएगा और ये 7 दूना 14, 14y और ये 8 दूना 16, ये हमारा न्यू इक्वेशन बन गया दो से गुणा करने से। और ये 10x ऐसे ही रहेगा, 10x + 3y = 33। अब पहले में से दूसरे को हम लोग क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ घटाने पर, तो जैसे आप घटाएंगे तो यहाँ माइनस और ये प्लस का माइनस और ये माइनस, तो माइनस 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 के साथ ऐड होगा, तो -17y और 16 में से घटेगा तो माइनस में 17 आएगा, तो कट गया माइनस माइनस 17। वाई का मान क्या आ गया, 1 आ गया। अब वाई का मान आप किसी में भी रख देंगे, मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ, इसमें रख दे रहा हूँ, तो 10x + 3y एक है और इधर क्या है 33 है, तो 10x किसके बराबर हो जाएगा, 30। तो 10x = 30, तो x का मान कितना आ गया, x का मान 3 आ गया। अब हम लोग आंसर जांच कर लेते हैं, तो 5 × 3 - 7 × 1 15 में से 7 जाएगा, क्या आएगा 8। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ax + by = 2 दिया है और bx + ay = 3 दिया है, में से y को विलुप्त करें। इसका मतलब ये हुआ कि y को हमें समाप्त करना है और x का हमें इसमें मान बताना है। तो चलिए देखते हैं उसके लिए y कैसे समाप्त होगा। तो y को समाप्त करने के लिए इसमें हम लोग a से गुणा कर लें एक में, और इसमें हम लोग गुणा कर लें b से, तो ए बी वाई हो जाएगा और यहाँ ए बी वाई हो जाएगा, तो हमारा जो है काम बन सकता है। तो आइए देखते हैं, ए से जब गुणा होगा तो ए स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और इसमें होगा तो ए बी वाई बन जाएगा, और इधर क्या बनेगा 2a बनेगा, क्लियर है। और इसमें जब हम लोग बी से गुणा करते हैं तो बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ए बी वाई होगा, और बराबर में क्या होगा 3b होगा। तो जैसे इसे हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो आइए देखते हैं साइन इसका चेंज हो गया, ये हट गया क्योंकि इसी को हमें समाप्त करना था, प्रश्न में ही बोला है वाई को विलुप्त कीजिए, वाई की कहानी ख़त्म। तो यक्स इसमें आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या यक्स, यक्स जैसे हमने इसमें कॉमन कर लिया, और इधर हम लोग 2a - 3b लिखेंगे। तो यक्स का जो वैल्यू निकल के आ रहा है 2a - 3b / a² - b², ये हमारा यक्स का मान हो गया। ठीक इसी प्रकार से हम लोग वाई का मान निकालते हैं, तो वाई का मान के लिए हम लोग क्या करेंगे, यक्स का मान वन में रखने पर, तो जैसे यक्स का मान वन में रखेंगे तो देखिए क्या होगा, a और यक्स का जो मान है क्या है 2a - 3b / a² - b² और +by = क्या है 2 है। तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, इधर हो जाएगा 2a² - 3ab / a² - b² = 2 - by, सॉरी हमें y का मान निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे बी वाई इधर ही रहेगा, बराबर क्या रहेगा 2 रहेगा, सभी चीज़ों को हम लोग उधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो इधर हमारा बी वाई बचेगा और 2 में से ये पूरा का पूरा ये जो आपको क्वांटिटी दिख रही है उसको ले आकर के दाहिने तरफ हम लोग घटा लेंगे, तो 2a² - 3ab / a² - b². अगली टर्म में क्या होगा, 2 का इधर गुणा हो जाएगा तो 2a² - b² - ये साइन आप देख रहे हैं 2a² - 3ab और बटे में क्या हो, तो वहाँ से मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि उधर नीचे स्पेस न होने की वजह से मैं यहाँ पर प्रश्न को सॉल्व कर रहा हूँ। तो बी वाई का जो वैल्यू है वो 2 के साथ गुणा हो जाएगा a² - b² का जो नीचे का आपको दिख रहा है, माइनस उधर जो ऊपर अंश में दिख रहा है 2a²
और आप क्या लिख दीजिए, माइनस थ्री ए बी, माइनस थ्री ए बी, क्लियर है। अब देखिए तो बी वाई बराबर टू ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर प्लस थ्री ए बी, तो ये तो कट गया और बी वाई का जो वैल्यू आ गया थ्री ए बी माइनस टू बी स्क्वायर, तो जो वाई का मान मिलेगा वो थ्री ए बी माइनस टू बी स्क्वायर बटे क्या मिलेगा, बी मिलेगा। तो हम लोग देख सकते हैं जो हमारा एक्स का मान मिला है टू ए माइनस थ्री बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिला है, और जो वाई का मान मिला है थ्री ए बी माइनस टू बी स्क्वायर अपॉन में बी मिला है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आठ जो है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये लिखा है टू एक्स वाई बराबर फोर एक्स प्लस थ्री वाई, तो वाई का मान एक्स के पदों में व्यक्त करें। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें जो वाई का मान निकालना है और किसके टर्म में, एक्स के टर्म में। तो हम लोग देख सकते हैं वी कैन से टू एक्स वाई इक्वल टू फोर एक्स प्लस थ्री वाई, लुक एट दैट टू एक्स वाई माइनस थ्री वाई इक्वल टू फोर एक्स। नाउ वी कैन से वाई स्मॉल ब्रैकेट टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू फोर एक्स। नाउ वाई इक्वल टू फोर एक्स अपॉन टू एक्स माइनस थ्री, तो ये हमारा सॉल्यूशन मिला, अर्थात ये जो वाई का मान आया है ये किसके टर्म में आ गया है, ये एक्स के टर्म में आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप कोई लाइन आपको समझ में नहीं आया हो, बस ये थ्री वाई को इधर हमने कर लिया है और वाई को हमने कॉमन कर लिया, जो बच गया उसको उधर दाहिने तरफ फोर एक्स के नीचे कर दिए हैं बस। क्वेश्चन नंबर नाइन देख रहे हैं हम लोग, एक्स प्लस वाई एट दिया है, एक्स माइनस वाई प्लस टू बराबर जीरो, तो इस सेकेंड वाले को हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस में टू, ये हमारा दूसरा समीकरण बनेगा और ये हमारा क्या बनेगा, पहला समीकरण बनेगा। तो आइए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी कैन से, एक और दो से हम लोग बोल सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू एट और x माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू, तो इसे आप क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, सब्सट्रैक्ट। तो ऐसा करने से हमें क्या होगा, x अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए माइनस और ये माइनस का प्लस, और यहाँ आपको क्या दिख रहा है, माइनस ये प्लस हो गया, y और y मिल के टू आई और आठ और दो मिल के दस, तो ये कट गया, तो y का मान कितना आ गया, पाँच आ गया। तो y का मान अगर पाँच आ गया तो आप कह सकते हैं x माइनस पाँच बराबर क्या आना चाहिए, माइनस दो, हम इसमें सेकंड वाले में पुट कर रहे हैं, तो x इक्वल टू माइनस टू प्लस फाइव, अर्थात कितना आएगा, x का मान तीन आएगा। उत्तर जांच कर लीजिए, तीन और पाँच कितना होता है, आठ, वेरी सिंपल। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, बस आप चुटकियों में इसे सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा जो लिखा है ये रूट टू एक्स है, मैं इसे क्लियरिटी लिख दे रहा हूँ, रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई जीरो के बराबर है, और रूट थ्री एक्स माइनस रूट एट वाई ये भी क्या है, जीरो के बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण, समीकरण एक में करड़ी में आठ से गुणा तथा दो में करड़ी में तीन से क्या करने पे, गुणा करने पे। तो आइए हम लोग देखते हैं ये जब इसमें एट से गुणा करेंगे करड़ी में एट, तो ये करड़ी में सोलह बनाएगा, और करड़ी में सोलह का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है, चार एक्स होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, करड़ी में चौबीस वाई हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, जीरो। तो इधर जो है हमें क्या मिला, इधर थ्री एक्स मिल गया करड़ी में तीन का गुणा करने से, इसमें इधर करड़ी में नाइन होगा तो क्या रिजल्ट देगा, वो तीन ही देगा, तो तीन एक्स यहाँ से मिल जाएगा हमें, और माइनस करड़ी में चौबीस वाई यहाँ से मिल गया। तो आइए हम लोग इसे घटा लेते हैं, तो चार एक्स में से तीन एक्स जाएगा, तो यहाँ एक्स बचेगा,
वो घटाना नहीं है, इसे क्या करना है, इसे हट जाएगा, ये देख रहे हैं प्लस है ये माइनस है, जोड़ लेंगे हम लोग लिखेंगे एडिंग, एडिंग मतलब दोनों को जोड़ा गया है। तो इधर जीरो और जीरो जीरो होगा, जीरो जीरो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, और चार और तीन कितना मिलेगा, सात एक्स, तो एक्स बराबर क्या मिलेगा, जीरो बटे सात अर्थात क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो एक्स का मान अगर जीरो आ गया तो भाई वाई का मान क्या आएगा, देखिए करणी में तीन गुणे यक्स के, जब मैं सेकंड में पुट कर रहा हूँ, करणी में तीन गुणे जीरो तो माइनस करणी में आठ वाई बराबर जीरो, तो इधर ये पूरा जीरो हो गया, करणी में आठ वाई बराबर जीरो, तो आप देख सकते हैं कि करणी में आठ वाई जो होगा वो भी जीरो के बराबर, और वाई का मान ये जीरो बटे करणी में आठ, अर्थात ये वाई का मान क्या आएगा, जीरो आएगा। तो अर्थात यक्स जीरो आ रहा है और वाई भी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो बच्चों ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने में थोड़ा सा भी आपको हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये समीकरण दो आप इसे मान लीजिए और ये समीकरण एक मान लीजिए, यक्स की जगह यहीं पर तीन वाई इसमें पुट आउट कर दीजिए, ऐसा हम लोग जिसमें करते हैं उसे हम लोग प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यक्स का मान किससे, दो से, किस में रखने पर, एक में रखने पर। तो यक्स का जो मान है 3y वो हम लोग किस में रखेंगे, एक में रखेंगे, तो 3 और यक्स की जगह क्या होगा, 3y और माइनस 8y बराबर 3, तो इधर 9y माइनस 8y बराबर 3, तो y बराबर क्या आएगा, 3 आएगा। तो अगर y का मान 3 आ गया तो 3 3 9, यक्स का मान क्या हो जाएगा, 3 × 3 अर्थात 9 हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर एक और ये समीकरण नंबर दो, समीकरण एक में हम लोग तुरंत जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे दो से, तो ऐसा करने से देखिए क्या मिलेगा, ये 4x और प्लस 2y इक्वल टू में 10, और ये हमारा 3x प्लस 2y इक्वल टू में 8 है। सब्सट्रैक्ट कीजिए, घटाइए, घटेगा तभी ये कटेगा, 4 में से 3 जाएगा, x आएगा सिर्फ, और 10 में से 8 जाएगा 2, अर्थात x का मान 2 आ गया। तो x का मान किसी समीकरण में रख दीजिए, पहले में रख दे रहे हैं, 2 × 2 = 2, y बराबर 5 है, तो y बराबर 5 − 4 अर्थात y का मान क्या आएगा, 1 आएगा। ये समीकरण नंबर एक है और ये समीकरण नंबर दो है, तो x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग समीकरण एक और दो को एडिंग कर देंगे, एडिंग, तो एडिंग के बाद हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों कट जाएगा और यक्स यक्स मिल के क्या हो जाएगा, 2x, और ये अपने आप में कट जाएगा और इसमें कॉमन कर लेंगे हम लोग, तो 2a² + 2b² 2 से 2 फिनिश हो गया, तो यक्स का मान क्या आ गया, a² + b², तो यक्स का मान इसमें रख दीजिए समीकरण एक में, तो आप देख सकते हैं यक्स का मान एक में क्या करने पर, रखने पर, तो जैसे एक्स का मान एक में रखेंगे तो a² − a² + b² और इस सबको इधर कर लीजिए बराबर के, इधर का वाई को मैं उधर कर लेता हूँ, तो −a² + ab − b² बराबर क्या मिलेगा, वाई, a² से a² कट गया, b² से b² कट गया, तो वाई का मान क्या मिल गया, ab मिल गया। इसमें हम लोग दे रहे हैं 2x + 3y = 18, 4x + 6y = 17 लिखा है, तो हमें 4x इसको भी हम लोग बना लेते हैं, तो समीकरण एक में हम 2 से गुणा कर लेंगे, तो हमारा ये बन जाएगा 4x + 6y = 36, और इसको एज इट इज यहाँ पे नीचे हम लोग लिख लेंगे, तो 4x + 6y = 70। तो ये तो गड़बड़ हो जा रहा है, 17 × 34 होना चाहिए, यहाँ 17 है, 18 × 36, 4x + 6y और 3 × 6, 2 × 4, ये सवाल में कुछ गड़बड़ दिख रहा है। तो चलिए समीकरण एक में से 2 को घटा लेते हैं, कोई इसमें मिस्टेक नहीं है, और ये 17 ही रहेगा, तो इधर क्या जाएगा आपका, 0 0, और 16 में से 7 जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इधर 9 होगा और इधर 1 हो जाएगा, तो 0 = 19 अर्थात इसे हल करना ये पॉसिबल नहीं है, अर्थात इसका कोई हल नहीं होगा, अर्थात इसमें हम लोग एक्स वाई का वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हैं।
तो इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन एक्स माइनस वाई बराबर 13 है और ये है रूट एक्स प्लस रूट वाई के बराबर, अर्थात एक्स माइनस वाई को हम लोग लिख सकते हैं रूट एक्स माइनस रूट वाई और एक ब्रैकेट में रूट एक्स प्लस रूट वाई, और ये कितने के बराबर है, 13 के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि रूट एक्स माइनस रूट वाई और इसके जगह हम लोग क्या रखेंगे, 13, बिकॉज जो है इसका मान किसके बराबर है, 13 के बराबर है। 13, 13 से 13 कट के एक आ गया, अर्थात रूट एक्स माइनस रूट वाई का मान एक आ गया। तो देखिए रूट एक्स प्लस रूट वाई दिया है आपका 13 और रूट एक्स माइनस रूट वाई आपको मिल गया एक, दोनों को जोड़ेंगे तो 2√x बराबर 13 और 1 14, तो √x बराबर 2 × 14, तो x का मान हो जाएगा 7 का स्क्वायर, अर्थात x का मान कितना हो जाएगा, 59। यहाँ पर ऐसे हुआ है रूट एक्स बराबर 7 आया है, तो दोनों तरफ हम वर्ग किए हैं, तो इधर वर्ग करेंगे तो रूट एक्स रूट हट जाएगा, सिर्फ x बचेगा, और इधर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो x का मान आ गया, तो x का मान मैं 49 इसमें रख देता हूँ, तो 49 और माइनस 13 बराबर y, तो 9 में से 3 गया 6, 4 में से गया 3, अर्थात तो y का मान कितना आएगा, 36 आएगा। तो प्यारे बच्चों आज हम लोगों ने क्वेश्चन एक्सरसाइज 3B हम लोग कवर अप कर चुके हैं और कल हम लोग इसका 3C लेक्चर पढ़ेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो 1, 2 और 3 बार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और अधिक से अधिक इसका लाभ लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि यही एक ऐसा प्लेटफार्म है जहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा मैथ का, चाहे वो इंटर का हो, चाहे वो 9th का हो, चाहे 10th का हो। हमारे चैनल पे आपको कंप्लीट पैकेज वो भी मुफ्त में मिलेगा, फ्री में। तो आपको बस आवश्यकता है इस चैनल से बने रहने की, और बस थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन चीज़ों को हम लोग जल्दी अपलोड कर रहे हैं। मैं प्रयास करूँगा दिसंबर तक पूरा का पूरा वीडियो आपको कवर करने के लिए। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको विशेष रूप से फ़ायदा होगा। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।